आज हम इस वीडियो में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और बलेनो का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों ही गाड़ियां मारुति सुजुकी कंपनी की हैं और ये दोनों गाड़ियों में हमें सेम प्लेटफॉर्म, सेम फीचर्स और सेम इंजन मिलता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और आपको ये दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉन्क्स की लेंथ है 3995 mm, जो सिर्फ 5 mm ज्यादा है बलेनो की लेंथ से, और इसकी विड्थ है 1765 mm, जो 20 mm ज्यादा है बलेनो की विड्थ से, और इसकी हाइट है 1550 mm, जो 50 mm ज्यादा है बलेनो की हाइट से, और फ्रॉन्क्स का व्हील बेस है 2520 mm, जो बिल्कुल बराबर है बलेनो के व्हील बेस से। ऑन पेपर डायमेंशंस के मामले में तो फ्रॉन्क्स ही क्लियर विनर है, क्योंकि व्हील बेस को छोड़कर फ्रॉन्क्स बलेनो से हर मामले में आगे है। और अब हम बात कर लेते हैं इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ये दोनों गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है, डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो पहले मैं आपको फ्रॉन्क्स के इंजन के बारे में बता देता हूँ। फ्रॉन्क्स में हमें दो टाइप के पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं, पहला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और दूसरा टर्बो इंजन। तो पहले मैं आपको इसके नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के बारे में बता देता हूँ। हमें इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और हम बात करें इसमें मिलने वाले माइलेज की, तो हमें इसमें 22 mpl का माइलेज मिल जाता है। और अब हम फ्रॉन्क्स के टर्बो इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें इसमें 1.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 98 bhp की पावर और 147 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और हमें फ्रॉन्क्स के टर्बो इंजन में 20 mpl का माइलेज मिल जाता है। और अब हम बलेनो के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें बलेनो में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और बलेनो में हमें 22.35 mpl का माइलेज मिल जाता है। इंजन और पावर के मामले में तो फ्रॉन्क्स ही क्लियर विनर है, क्योंकि फ्रॉन्क्स में हमें टर्बो इंजन का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कंफर्ट और सेफ्टी के फीचर्स के बारे में। तो पहले मैं आपको वो कॉमन फीचर बता देता हूँ जो ये दोनों गाड़ियों में हमें मिल जाते हैं। तो ये दोनों गाड़ियों में हमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, 6 एयरबैग, सीट बेल्ट वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फॉलो मी हेडलैम्प्स, 360 डिग्री कैमरा, स्पीड अलर्ट सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंटिंग, हेडसअप डिस्प्ले, सीट बेल्ट प्रिटेशनर, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर एसी वेंट, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, वॉइस कंट्रोल और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। ये सारे सेफ्टी और कंफर्ट के फीचर्स हमें ये दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें फ्रॉन्क्स में मिल जाते हैं लेकिन बलेनो में नहीं मिलते। तो फ्रॉन्क्स में हमें वायरलेस चार्जर, सिर्फ ये एक फीचर है जो हमें बलेनो में नहीं मिलता लेकिन फ्रॉन्क्स में मिल जाता है। और अब मैं आपको वो फीचर्स बता देता हूँ जो हमें बलेनो में मिल जाते हैं लेकिन फ्रॉन्क्स में नहीं मिलते। तो बलेनो में हमें ब्रेक असिस्ट, सिर्फ ये एक फीचर है जो हमें फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता लेकिन बलेनो में मिल जाता है। फीचर्स के मामले में तो ये दोनों गाड़ियों की बराबर की टक्कर रही है, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां मारुति सुजुकी कंपनी की हैं और ये दोनों गाड़ियों में हमें सेम फीचर्स मिलते हैं। और हम ये दोनों गाड़ियों के टायर साइज की बात करें तो ये दोनों गाड़ियों में हमें 16 इंच के टायर मिल जाते हैं। और हम ये दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस की बात करें तो फ्रॉन्क्स में हमें 308 लीटर की बूट स्पेस मिलती है और बलेनो में 318 लीटर की। और अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं ये दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग के बारे में। तो पहले मैं आपको फ्रॉन्क्स के प्राइस बता देता हूँ। फ्रॉन्क्स की एक शोरूम प्राइस 7.46 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 13.13 लाख रुपीज़ है। और अब मैं आपको बलेनो के प्राइस बता देता हूँ। बलेनो की एक शोरूम प्राइस 6.61 लाख से स्टार्ट होकर इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.88 लाख रुपीज़ है। और इस प्राइस पॉइंट के साथ बलेनो एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। और मैंने बलेनो को वैल्यू फॉर मनी इसलिए कहा है क्योंकि हम फ्रॉन्क्स और बलेनो दोनों के टॉप वेरिएंट की प्राइस को कंपेयर करें तो बलेनो फ्रॉन्क्स से 3.25 लाख रुपीज, 3.25 लाख रुपए सस्ती है, जो काफी बड़ा अमाउंट है। और ये दोनों गाड़ियां एक ही प्लेटफॉर्म पर बनती है और ये दोनों गाड़ियों में हमें सेम इंजन और सेम फीचर्स मिलते हैं लेकिन प्राइस में इतना डिफरेंस है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आप एक एसयूवी कार लेना चाहते हो जिसमें आपको टर्बो इंजन मिले तो आप फ्रॉन्क्स की तरफ जा सकते हो, या फिर आपको एक अच्छे फीचर वाली, अच्छा माइलेज देने वाली एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए तो ऐसी कंडीशन में बलेनो ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको ये दोनों कार में से कौन सी कार बेस्ट लगी है कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।